अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। आज दोस्तों हमारे पास वीवो का मोबाइल आया है Y15 तो इसका पैनल जो है वो ब्रेक है, इसका हम पैनल रिप्लेस करेंगे। देखें पैनल इसका ऑलरेडी सारा निकला हुआ है, इसी कंडीशन में आया था। तो सबसे पहले हम इसकी बैक ओपन करेंगे। बहुत ईजी है पैनल चेंज करना, बस थोड़ा सा पैनल को फिट करते वक्त आपको थोड़ी सी केयर करनी होती है ताकि कोई भी उसका मीडिया डैमेज ना हो। बैक हम ओपन कर लेते हैं। ये इसका थम सेंसर है, ये उतार लेना आपने सबसे पहले ताकि ये डैमेज ना हो। तो जो हमारा अगला काम है, हम इसके ये बैक उतारेंगे ताकि जो है ना हम पैनल की स्ट्रिप उतार सकें। बैटरी को उतारने के लिए थोड़ी सी हीट की है हमने, ये हमारा सिंपल पैनल उतर गया। नया पैनल चेक करने के लिए हम बैटरी रख लेंगे बीच में, न्यू पैनल हमने चेक करना है। के लिए बैटरी
बीच में लगा लेंगे। तो उससे पहले आपने थोड़ी सी सफाई कर लेनी है इस एजिस की, इसको हम कड़ा भी बोलते हैं। कड़े की आपने सफाई कर लेनी है ताकि जो हमारा न्यू पैनल है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है ना उसमें फिट हो जाए, उसकी फिटिंग में कोई इशू ना आए, ताकि किसी साइड से ऊंचा ना रहे। बैटरी हम निकाल लेंगे ताकि पहले पैनल फिट करके फिर हम बैटरी लगाएं, ताकि जो हम मोबाइल अपना पैनल चेक कर सकें। ये पैनल है इसका Y15 का, तो ऑलमोस्ट पैनल हमारे पास चेक ही पड़े होते हैं, तो हम इसको फिट करके ग्लू नहीं लगाएंगे अभी, पहले इसको फिट करके एक दफ़ा फिर तसल्ली कर लेंगे कि आया कि कोई मसला तो नहीं है, तो फिर हम इसको फिक्स कर देंगे। क्योंकि अगर आपने पैनल लेना है तो आपको एक दफ़ा मोबाइल साथ लेके जाना पड़ेगा, मोबाइल साथ लेके जाके आपने जो है ना पैनल को ऑन करके चला के तसल्ली करनी है, फिर आपने पैनल जो है ना परचेज करना है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। ये स्ट्रिप हम लगा देंगे इधर, ऐसे इसको फिक्स कर दें, बैटरी वाली टेप वापिस। बैटरी थोड़ी सी हमारी टेढ़ी हो गई थी जब हमने उतारी थी, तो इसको थोड़ा सा किसी भी सीधी चीज से ऐसे कर लें ताकि बिल्कुल सीधी हो जाए बैटरी, ताकि फिक्स करते वक्त कोई उसमें टेढ़ापन ना आए। मैंने सीधी कर लिया बैटरी। पैनल को नीचे हाथ रखना है ताकि उसकी स्ट्रिप जो है मीडिया को खींचना पड़े। वापस फिक्स कर देंगे बैटरी का, तो मैंने तो पैनल पहले चेक किया हुआ ऑलरेडी, जो भी हम पैनल लेके आते हैं हमारा चेक होता है पैनल,
तो इस वजह से मैं कुछ काम जो है ना पहले कर लूँगा, फिर मैं पैनल को ऑन करके आपको बताऊँगा कि आपने जो है ना पैनल को चेक कैसे करना है, तसल्ली कैसे करनी है अपनी पैनल की, ठीक है। मैं बाकी इसका इसके हिस्से फिक्स करता हूँ, ताकि हम बस लास्ट में पैनल को ही फिक्स करेंगे। आपने ये काम करने से पहले आपने पहले पैनल को चेक कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी मसला पैनल में हो तो आप पैनल को मौके पे रिप्लेस कर सके मार्केट में। ये काम तब आपने करने हैं जब आपके पास पैनल बिल्कुल ठीक है और आप उसको फिक्स करने लगे हैं, क्योंकि मैंने फिर ग्लू लगा के इसकी फ़ौरन बैक लगानी है, और टेप या रबड़ बैंड से इसको बंद कर देना है। इसलिए मैं इसको सारा फिक्स करूँगा। सिर्फ ग्लू लगाने से पहले मैं जो है ना इसको चेक करूँगा, इसकी बैग अभी बिल्कुल फिट कर दूँगा। ठीक है, अब हम इसका ये बैक कवर लगा देंगे। इसका थंब सेंसर है, थंब सेंसर का ये इसको प्रोटेक्ट करने वाला जैक, ताकि वो उतरे ना सेफ्टी के लिए। कि अगर आप इतना काम करेंगे और पैनल ठीक ना हुआ तो आपको फिर सारा मोबाइल खोलना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है हमारा पैनल ठीक है तो हम इसको फिक्स कर रहे हैं। ये काम आपने पैनल चेक करने के बाद करने हैं, ताकि आपको मसला ना बने। मार्केट में आप मोबाइल ले जाएं, मोबाइल लेके जाने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से पैनल को चेक करें। मोबाइल मैंने कर दिया ऑन, ठीक है। उतनी देर ऑन होता है उतनी देर हम इसकी इधर से हमारा कड़ा टूटा हुआ था, हमने बड़े एहतियात के साथ उसको सही तरीके से फिक्स कर लिया, ये जैकेट लगा दिया। अब हमारा सिर्फ वन स्टेप रह गया है, हमने बस पैनल को चेक करना है। चेक हमारा पैनल ऑलरेडी है, सिर्फ एक दफ़ा इसकी तसल्ली करेंगे, तसल्ली करके तो हम इसको ग्लू लगा के फिट कर देंगे और हमारा पैनल जो है ना फिक्स हो जाएगा। अब बस हम इसके ऑन होने का वेट कर रहे हैं। ये जी हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। ये इमरजेंसी में आ जाएं आप, अभी ज़रा वो स्टार्टिंग में आया तो ज़रा स्लो है, वो एकदम से ज़रा स्पीड का मसला होता है, क्योंकि ये 3 32 इंच छोटे मोबाइल हैं। सारे वर्क कर रहे हैं प्रॉपर, क्या इधर से बैक बैक वाला भी काम कर रहा है इसको। यार ये देखें, ये पैनल हमारा बिल्कुल, ये देखें हर जगह से काम कर रहा है। ये हमारा पैनल चेक हो रहा है, यानी कि कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये काम ना कर रहा हो। क्योंकि तो मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है, तो मोस्टली कस्टमर के हमारे पास पासवर्ड नहीं होते, उसकी सेफ्टी होती है, तो हम जस्ट इसी तरह जो है ना पैनल को
चेक कर लेते हैं। देखिए सारे बटन काम कर रहे हैं, कोई भी बटन मिस नहीं है। और दूसरा ये है कि स्क्रीन सारी काम कर रही है। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आपने पैनल ऊपर से नीचे करके ब्राइटनेस, वाईफाई ऑन ऑफ करके, यानी कि आपने, कहने का मतलब है कि पूरा एक दफ़ा ना देखना है कि पैनल का हर हिस्सा काम करना चाहिए। ये देखें, जैसे ये मैं तसल्ली कर रहा हूँ, ये देखें हर जगह से पैनल काम कर रहा है। ठीक है, ये पैनल बिल्कुल ओके है, इसको अब हम सिर्फ फिक्स करना बाकी है। क्योंकि तो मेरा पैनल ऑलरेडी ओके था, तो इस वजह से मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब जब हम सिंपल इसको फिक्स करेंगे और अपडेट लगा देंगे, हमारा पैनल जो है ना फिक्स हो जाएगा। सफाई हमने अच्छे से कर ली थी। आप जो ग्लू है ना, आप पैनल के एजिस पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पैनल के एजिस पे लगा लेंगे, ऐसे लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ओके। अब हम इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, कि ये ग्लू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होती है। क्योंकि एकदम से अगर आपसे गलत पैनल लग जाए, कोई मसला आ जाए, तो आपको मोबाइल एकदम से पैनल उतारना पड़े, तो इसलिए वो ग्लू एकदम से फिक्स नहीं होती, ये थोड़ा टाइम लेती है। इस वजह से हम इसको 2 से 3 घंटे ग्लू को देने चाहिए। चाहे तो आप इस पे वो टेप भी लगा सकते हैं, इधर लगा के पीछे को घुमा सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है। मेरे पास रबड़ बैंड है, तो मैं रबड़ बैंड से इसको फिक्स कर रहा हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो लूज ना रहे और पैनल अच्छे तरीके से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और अगर आपका कड़ा टेढ़ा है, बॉडी टेढ़ी है, तो आपने जो है ना अपना क्या कहते हैं उसको पहले सीधा कर लेना है, ताकि पैनल को दबाव ना पड़े। पैनल अगर टेढ़ा हुआ तो आपका पैनल ब्रेक हो सकता है, मीडिया ख़राब हो सकता है, उसका चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर बॉडी कड़ा आपके मोबाइल का टेढ़ा है, तो आपने उसको पहले ज़रा सीधा कर लेना है, ताकि आसानी से, ये देखे ना बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्सिंग आई है इसकी। तो अब हमारा पैनल बिल्कुल ओके है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।